कैसे आप लोग दिस इज नेहा एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद द ट्रेंड्स ऑफ द प्रोडक्ट टेबल इन द फर्स्ट पार्ट आई मेली टोल्ड यू अबाउट द एटॉमिक रेडियस मैंने आपको ग्रुप वाइज पीरियड वाइज एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक सबके बताए अब मैं बात करूंगी आयनाइजेशन एंड थेल्पीज में भी आपको ग्रुप वाइज एंड पीरियड वाइज बहुत बताऊंगी एस एंड पी ब्लॉक के जो जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको वो बताऊंगी मोस्टली डी ब्लॉक इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो शायद मैं आपको वो ना बताऊँ तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आयोनाइजेशन एरेपी जस्ट ऑपोजिट चलता है टू डॉट ऑफ द साइज जैसे साइज मैंने आपको बताया था जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या होता है डिक्रीज होता है तो क्योंकि आयनाइजेशन एन थे ऑपोजित चलता है इसलिए आयनाइजेशन थेरेपी क्या होगा इंक्रीज होगा और जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज क्या होता है इंक्रीज होता है तो क्योंकि आयनाइजेशन एंड साइज आर बोथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इसलिए आयनाइजेशन ही क्या होगा डिक्रीज होगा ओके तो जो आयनाइजेशन थे जैसे उसका उल्टा होगा इसमें सॉरी जो साइज है उसका जो उल्टा होगा आइनाजेशन तर्टिंग में ओके तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप वाइज ओके तो बहुत खुशी की बात है यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है दैट इज कंटिन्यूसली जो रेपी होता है वो डिक्रीज होता है ओके okay? ग्रुप में विदाउट एनी एक्सेप्शन तो जहाँ एक्सेप्शन नहीं होता है वह बहुत अच्छा लगता है बिकॉज कुछ याद नहीं करना पड़ता है ओके okay? तो so, ये बस ऐसे है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको तो so, हेलिना की रुबीना से फ्रेंडशिप बेटा मांगे कार्स को टब आप राजीव आप भी चाहते हैं ऐसे फ्लो में याद रखना तो आपको बार बार रिपीट करना होगा आप मेरी ट्रिक्स देख सकते हो मेरे चैनल पर अवेलेबल है और जो रेडियस से रिलेटेड एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड जो मैंने ट्रेंड्स बनाए पहले वीडियो में अवेलेबल है पहले लेक्चर में सो so आप उसको थ्रू द लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है उसे आप देख सकते हो तो इस ब्लॉग का मैंने आपको बता दिया कौन सा ग्रुप वाइज देखो यार पीरियड वाइज जो है ना इस ब्लॉग का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो मैंने आपको इस लेक्चर उसके बारे में कुछ नहीं बताया उसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर ही बना रखा है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी कुछ दिनों में क्योंकि जो पीरियड वाइज होता है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा उससे क्वेश्चन आना तय है तो और इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो मैंने आपको इस लेक्चर में उसको इंक्लूड नहीं किया है नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसी से रिलेटेड बनाऊंगी तो आप उसको वॉच कर लेना तो अभी सिर्फ मैंने एस ब्लॉक का ग्रुप वाइज आपको बताया चलो ये हो गया नाउ वी विल मूव टू पी ब्लॉक एलिमेंट तो यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलता है जब हम ग्रुप वाइज में जाते हैं देखो मैंने आपको क्या बताया जब ग्रुप में मूव करते हैं लेफ्ट टॉप टू बॉटम तो एनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है दैट इज़ ये होना चाहिए सबसे ज़्यादा ये उसके बाद ये नॉर्मल तो ये होना चाहिए बट ऐसा इसमें नहीं होता है इसमें ये हो जाता है ओके okay? उसके बाद फिर दोबारा से ये आज दोबारा से ये तो यहाँ पे दो जगह एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि ये एक ही ओके ऐसे तो डिक्रीज होना चाहिए बट यहाँ पे और यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलता है तो इसका जो रीजन होता है वो वही जो साइज में रीजन हमने देखा था दैट इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन थ्री में इलेक्ट्रॉन्स जाने की वजह से पुअर शील्डिंग की वजह से यही रीजन होता है इसका भी दैट इज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आपसे कोई रीजन पूछे तो ये होता है अब देखो Uh, ये तो हो गया हमारा थर्टीन uh, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से होता है बट आपको जब कोई कंप्लीट ऑर्डर अगर आपके आपसे पूछेगा कि आप इसको कैसे अरेंज करोगे कौन पहले थैलीम क्या पहले आयागे क्या तो उसके लिए एक आप ट्रिक याद रखो थर्टीन ग्रुप का ऑर्डर आपको याद रखना है ट्रिक क्या है बात ओके okay. देन आपको याद रखना है गई बात गई इससे आप इसको ट्रेंड याद रख सकते हो दैट इज बोरोन सबसे पहले देन आता है थैलियम देन आता है गैलियम देनाता एलुमिनियम देन आता इंडियम बाद का भी बोरन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो है टी जो है थैलियम को जी गैलियम को ए एल्यूमिनियम आई फॉर इंडियम एंड आपको देखो इससे तो आपको ये नहीं पता चल रहा है ना कि थैलियम सेकेंड नंबर पर आ रहा है तो गया तो नॉर्मल बट आपको एक साथ अगर कोई पूछे तो आपको इसको याद रखना बाद से कि ये कैसा होगा इसका ऑर्डर डायरेक्टली आप ऐसे आपको बोरोन एल्यूमिनियम का कंपेयर करने को एल्यूमिनियम गैलियम तो आप इससे कंपेयर करोगे बट एक साथ इसका क्या ऑर्डर होगा तो उसको आप याद रखोगे बाद गई से ओके तो आई होप आपको समझ आया हो एंड

Uh, जो थर्टीन ग्रुप था ना यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन होता है बट यहाँ पे लेंथ एंड नाइट कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पर तो लेंथ लगेगा ना लेंथ ओके एंड कॉन्ट्रैक्शन ओके okay. तो देखो पहला वाला जो एक्सेप्शन है ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन की वजह से और ये जो नीचे वाला एक्सेप्शन है लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन की वजह से वैसे ही फोर्टिन ग्रुप में भी जो ये एक्सेप्शन होता है ये नाइट कॉन्ट्रेक्शन की वजह से होता है फोर uh, एफ में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं इस वजह से लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन लगता है जिसकी वजह से एक्सेप्शन देखना मिलता है तो इसमें तो आप ऐसे बता सकते हो कि ट्रेंड क्या फॉलो होगा इसमें तो आपको अरेंज करने की मुझे जरूरत नहीं आप ऐसे भी बता सकते हो सो so, ये तो हम समझ गए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीनथ तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप इसको इसी तरह से लिखोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा जो थर्टींथ ग्रुप होता है पहले आप ऐसे लिखो देन आप लिखो फोर्टीन ग्रुप ओके इन दोनों में एक्सेप्शन ओके okay. रीजंस क्या-क्या थे लैनथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बट बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 15th ग्रुप से लेकर के 18th ग्रुप तक कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है दैट इज नो एक्सेप्शन मतलब जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कंटीन्यूअसली डिक्रीज होगी तो 15 टू 18 ग्रुप कोई आपको दिक्कत नहीं है बस आप तो ट्रेंड पता होना चाहिए कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है एनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए देखो डी ब्लॉक एनाइजेशन थेरेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टिंग एंड आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार